क्या बना रही हैं आज के खाने में? आज के खाने में बना रही हूँ पनीर की सब्जी। शाही पनीर बना रही हूँ। अच्छा, तो उसके लिए तैयारी हो रही है। काट रही हूँ प्याज और टमाटर मैंने कट कर लिया है। हरी मिर्ची भी ली है? हरी मिर्ची भी हाँ लेनी है। और इसमें डालूंगी मैं काजू बादाम लहसुन अदरक, ये सब चीज़ें मिक्स करके फिर हम दिखाते हैं आगे हम क्या करें। यहाँ पे गैस जला ली है, कढ़ाई भी चढ़ा दी है। अब देखते हैं क्या बना रही हैं। वैसे तो पनीर बना रही है, देखते हैं कैसे बना रही हैं। ये देसी घी है, कढ़ाई में डाल दी है देसी घी। इसकी जगह बटर भी डाल सकते हैं। कोई बटर नहीं है कढ़ाई, वो घी नहीं है तो मतलब सरसों के तेल में भी या रिफाइंड में बन सकता है। अच्छा, बना सकते हैं लेकिन टेस्ट में फिर फर्क हो जाएगा। हमने देसी घी डाला और इसी में हम ये वाला सारा सामान जो हमने कट करा है, प्याज मिर्च और टमाटर, लहसुन भी जाएगा इसमें। लहसुन की वो निकाल लें और यहाँ पे कुछ काजू और बादाम। इसमें डाल दिया है इन्होंने लहसुन, ये थोड़ी बहुत कर लिया है और इसमें जाएगा नमक, अदरक हो गया थोड़ा सा। अच्छा, वैसे वाला ना खड़ा इसमें है, इसे हल्का हल्का फ्राई करना है। और ये अच्छे से गल जाएंगे सारी चीज़ें, तब हम इसका मसाला बनाएंगे। यहाँ अदरक इसमें डाली है, अभी अदरक बिल्कुल चला रही हैं, जैसे ही भून जाएगा वो मसाला के लिए इसको निकाल लेंगे, इसको ढक करके हम छोड़ देंगे कम से कम 5 मिनट। भून दीजिए। अब ये हो चुका है तैयार, अब इसका हम इसको ठंडा करेंगे पहले, फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर जार में अच्छे से सारे मसाले को, फिर बनाना शुरू करेंगे तब आपको दिखाएंगे। अब ये चीज़ें, ये प्याज है और शिमला मिर्च और मिर्च, इसको हम फ्राई कर रहे हैं हल्का हल्का, इनको फ्राई करना है घी हो या फिर बटर हो, तो मैं बटर में इनको फ्राई कर रही हूँ, हल्का सा करना है ज़्यादा नहीं करना। बस ये हो गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने तेज़पात पत्ता डाल दिया है और इलायची सफ़ेद वाली, बाकी जो हमने पेस्ट बना लिया था ये मसाले का वो जो फ्राई किया था, अब इसको इसमें डाल देंगे और इसको लगातार चलाना है क्योंकि इसमें काजू और मींगे वगैरह होती है ना, तो उससे ना एक मसाला फट जाता है,
तो उसके लिए आपको लगातार इसको चलाना होगा और अच्छे से हमें इसको भूनेंगे मसाले को। और थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ। पानी डाल दिया थोड़ा सा और हम इसको पकाएंगे मसाले को अच्छे से। पूरा आगे करो ऊपर ऐसे। अभी मसाला भून रहा है, साथ के साथ हम डाल देंगे इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ताकि इसका थोड़ा सा तीखापन बढ़ाने के लिए। और बाकी कलर के लिए डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर वाली है, ये तेज़ नहीं होती। और इसको भी इसके अंदर ही इसको भुनाई करेंगे अच्छे से। अगर आपको कलर और भी ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप थोड़ा सा और डाल दीजिएगा, लेकिन कलर बिल्कुल सही है। फोन में थोड़ा हल्का कलर आ रहा है लेकिन वैसे सही है कलर। साथ ही इसमें डाल देंगे हम खड़ा बड़ा मसाला थोड़ा सा, ये मैं घर पे ही पीस के रखती हूँ। इसको अच्छे से बनाएंगे। थोड़ी सी और डालो ना मिर्च, थोड़ी सी और डाल देती हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी और डाली मैंने। और बाकी हम इसको अब भून देंगे और आपको दिखाएंगे इसकी पूरी फाइनल लुक। मसाला भून गया है अच्छे से, मैंने इसको भून लिया था। फिर उसके बाद मैंने पानी डाल दिया है, अब डाल देती हूँ पनीर इसमें। अगर आपने इस तरीके से बना कर नहीं खाया हो तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। और उसके बाद हम यहाँ पर जो हमने फ्राई किया था, हरी मिर्ची है, शिमला मिर्च और प्याज, उसको भी मैं इसी में डाल दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी सारी चीज़ों को। थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे अब और ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है पनीर की। आप सबको कैसी लगी वो मुझे बताना। अभी इसमें एक चीज़ और जाएगी। अच्छे से ये पक गया है मसाला ग्रेवी, तो इसमें हम डाल देंगे अब मेथी, कसूरी मेथी है ये रेडीमेड पैकेट में आती है, उसको मैंने इसको डाल दिया है इसमें। और अच्छे से इसको चलाने के बाद गैस को मैं बंद करूंगी और ये पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। इस तरीके की इसकी ग्रेवी होती है। शाम का टाइम हो गया है और हम लोग छत पे जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं छत के ऊपर का व्यू। यहाँ तार कटा हुआ है, संभाल के चढ़ना पड़ेगा हमको। ये आगे आगे जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। यहाँ छत का व्यू, शाम हो गया है। यहाँ पास ही में मस्जिद भी है। Thank you.
खा लो तुम भी साथ ही। दाल लाऊं तेरे लिए? दाल से खा। क्यों पनीर नहीं खाता है क्या? कोई भी चीज खाना पसंद ना करता। ये लोगों का अलग ही है कुछ। टार्जन हो गया। ये दाल के दीवाने हैं। ये चिकन इतना ये सब नहीं खा रहे हैं। चलो लोलो। ना चिकन खाता है ना वो खाता पनीर। फिर से मोटाई में पड़े। गोश्त खा रहा है। बड़े का गोश्त खाता है बस। सब्जी ले लेते हैं। हाँ जी सब्जी तो है उसमें। कल तो मिलेगा बड़े का। कब कौन से दिन? मंगल के दिन तो मिलता है शायद। पीर के दिन तक ना मिलता। ये रहा पनीर। अच्छा टॉस हो जाता है। ये रहा पनीर। ये है सेमी कबाब। ये है तरोई की सब्जी। और इधर इसमें ऐसे वही। ये है कुछ अचार। और ये रहा दाल। उसमें रोटी। मिलते हैं आप लोगों से खाने के बाद।